वेलकम बैक एवरी वन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस यूज ऑफ सूनर आर लेटर प्लस सेंटेंस. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. तो जैसे कि हमने बात करी है सूनर आर लेटर का यूज करने वाले, तो आप सूनर आर लेटर का हिंदी में मतलब क्या होता है पहले वो जान लीजिए. सूनर आर लेटर का मतलब होता है देर सवेर या कभी ना कभी. क्या होता है देर सवेर कभी ना कभी. तो हम इसका मेन हमने सेंटेंस बनाए कभी ना कभी से, तो इसी सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे. तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है कभी ना कभी तो वह मेरे पास आएगा. कभी ना कभी तो वह मेरे पास आएगा. तो कभी ना कभी के लिए आप यूज करेंगे सूनर आर लेटर. सूनर आर लेटर. और वह मेरे पास आएगा के लिए ही विल कम टू मी. ही विल कम टू मी. तो मतलब यहाँ पे ही सब्जेक्ट भी आ जाएगा. और जैसे कि हम बात करते हैं गा गे गी, जहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में आता है, तो उसके लिए उस सेंटेंस में विल का यूज करेंगे. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गा आया हुआ है, तो इसके लिए हमने ही विल का यूज किया है. और कम के लिए आना है टू मी, मेरे पास. ठीक है, सूनर आर लेटर ही विल कम टू मी. तो ये था आपका सेंटेंस. तो स्टूडेंट्स आपका सेकेंड सेंटेंस है कभी ना कभी वह तुमसे बात करेगा. कभी ना कभी वह तुमसे बात करेगा. तो कभी ना कभी के लिए यूज करना है आपको सूनर और लेटर. सूनर आर लेटर. और वह तुमसे बात करेगा तो वह ही विल टॉक टू यू. ही विल टॉक टू यू. तो वह की हिंदी हो गई है ही, सॉरी वह की इंग्लिश हो गई है ही. तुमसे के लिए यूज करेंगे यू, बात के लिए टॉक, और यहाँ पे गा है तो इसलिए विल, और करेगा बात करेगा तो टॉक टू. तो सूनर आर लेटर ही विल टॉक टू यू. कभी ना कभी वह तुमसे बात करेगा. सूनर आर लेटर ही विल टॉक टू यू. थर्ड सेंटेंस है कभी ना कभी तो मीना शादी करेगी. कभी ना कभी तो मीना शादी करेगी. तो इसका सेंटेंस है सूनर आर लेटर. सूनर आर लेटर तो कभी ना कभी के लिए हो गया, और मीना और यहाँ पे गा है तो विल, शादी के लिए मैरी, और टू यू तो के लिए है यू. तो कभी ना कभी तो मीना शादी करेगी. सूनर आर लेटर मीना विल मैरी टू यू. मीना विल मैरी टू यू. फोर्थ सेंटेंस है आपका कभी ना कभी तो इंसान मरेगा. कभी ना कभी तो इंसान मरेगा. तो इसको बोलेंगे सूनर आर लेटर मैन विल डाई. सूनर आर लेटर मैन विल डाई. तो इंसान के लिए मैन यूज करेंगे, मरे के लिए डाई, और गा के लिए आपको विल यूज करना है. तो कभी ना कभी तो इंसान मरेगा. सूनर आर लेटर मैन विल डाई. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ. कभी ना कभी तो चपरासी समय पर पहुंचेगा. कभी ना कभी तो चपरासी समय पर पहुंचेगा. सूनर आर लेटर द प्यून विल रीच ऑन टाइम. द प्यून विल रीच ऑन टाइम. तो यहाँ पे प्यून की हिंदी हो गई चपरासी. विल के लिए गा यूज करेंगे. समय पर पहुंचे के लिए रीच ऑन टाइम. रीच ऑन टाइम. सिक्स सेंटेंस है आपका कभी ना कभी तो लोग अच्छा सोचेंगे. कभी ना कभी तो लोग अच्छा सोचेंगे. तो सेंटेंस है आपका सूनर आर लेटर. पीपल विल थिंक गुड. पीपल विल थिंक गुड. तो कभी ना कभी के लिए तो आपको पता चली गया कि सूनर आर लेटर यूज करना है. लोगों के लिए पीपल यूज करना है. अच्छा के लिए गुड. सोच के लिए थिंकिंग. और सोचेंगे एक ही साथ है तो विल थिंक आ जाएगा. सोचेंगे विल थिंक. तो कभी ना कभी तो लोग अच्छा सोचेंगे. सूनर आर लेटर पीपल विल थिंक गुड. तो गाइस ये थे आपके 1 to 6 सेंटेंस सूनर और लेटर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे. समझ में आए तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ स्टेप से और सेंटेंसेस को. आइए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. सेवन सेंटेंस है आपका कभी ना कभी तो वह हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. कभी ना कभी तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सूनर आर लेटर. सूनर आर लेटर तो कभी ना कभी के लिए हो गए, और हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. तो हमें के लिए वी है. वी शैल यूज करेंगे. जरूरत के लिए नीड. ठीक है, और पड़ेगी है तो वी शैल है, मतलब पड़ेगी वी शैल. ठीक है, तो कभी ना कभी तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. सूनर आर लेटर वी शैल नीड हिम. वी शैल नीड हिम. हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. वी शैल नीड हिम आएगा. एट सेंटेंस है कभी ना कभी तो उसे पछताना पड़ेगा. कभी ना कभी तो उसे पछताना पड़ेगा. तो इसको बोलेंगे सूनर आर लेटर ही विल हैव टू रिग्रेट. सूनर आर लेटर ही विल हैव टू रिग्रेट. तो उसी के लिए आपने ही यूज किया है. और पड़ेगा के लिए विल हैव यूज किया है. पछताना के लिए रिग्रेट.
सूनर और लेटर ही विल हैव टू रिग्रेट। नाइन सेंटेंस है, कभी ना कभी तो वह गाना गाएगा, कभी ना कभी तो वह गाना गाएगा। तो इसको बोलेंगे सूनर और लेटर दे विल सिंग अ सॉन्ग, दे विल सिंग अ सॉन्ग। टेंथ सेंटेंस है, कभी ना कभी तो उसे बोलूंगा ही, कभी ना कभी तो उसे बोलूंगा ही। तो इसे बोलेंगे सूनर और लेटर आई विल टेल हिम, सूनर और लेटर आई विल टेल हिम। इसे और या और पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूनर और लेटर आई विल टेल हिम, तो कभी ना कभी तो वह चलेगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।